सड़कों के तो जाल बिछा दिए, सड़कें आप कासगंज में देखिए, कासगंज से शोरों के लिए फोर लाइन वीआईपी बनी हुई है, कासगंज से एटा के लिए बहुत अच्छी फोर लाइन, कासगंज बाईपास दो दो बाईपास दिए हैं कासगंज के लिए, और शोरों से शाहवर के लिए भी वीआईपी रोड बना हुआ है, चार चार पांच पांच पुल कासगंज में बने हुए हैं, एक पुल पर जो नदी नदरई पर जो नदी और नहर के ऊपर पुल का कार्य प्रगति पर है, ये भी मेरी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। सड़क का नाम तो छोड़ ही दीजिए कि एक भी सड़क, एक किलोमीटर सड़क इनके कार्यकाल में नहीं बनी है, अगर कहीं भी बनी हो तो ये अपनी एक पत्रिका बता दे, केवल अखिलेश जी के इस टाइम में जो सड़कें बनी थी उनके नाम की पत्रिकाओं को हटाकर अपनी पत्रिकाएं लगाने का काम कर रहे हैं और कहीं कोई विकास नहीं। हमारे क्षेत्र में जो मरीज कोरोना काल में बाहर जाते थे और जो अधिक एक्सीडेंट हो जाते थे बीमारी के कारण, हमारे यहाँ इलाज नहीं हो पाते थे, हमारी सरकार ने ऐसे सभी मरीजों के लिए या जनता के लिए, मेरी सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा की है कि कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनेगा और बहुत जल्दी ही कार्य प्रगति पर होगा, बजट आने वाला है। कौन सा मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाया, आपने देखा होगा, आप सभी पत्रकार बंधु है, मेडिकल जो मेडिकल कॉलेज की अभी आधारशिला नहीं रखी गई है, मेडिकल कॉलेज कब बनाएंगे, अगली साल जब चुनाव हो जाएंगे, तो इन्होंने सिवाय घोषणाओं के, ये घोषणाओं की सरकार है, घोषणा करना इनका काम है और झूठ बोलना इनका काम है, कोई विकास और धरातल पर इनका कोई काम नजर नहीं आता, न कोई काम करता। देश आजाद हुआ तब से आज तक जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, ऐसे सभी गांवों में मेरी सरकार ने बिजली पहुंचा दी, सभी मजरों में बिजली पहुंचा दी, सबसे बड़ा काम ये किया है। बिजली आई है, पहले से बिजली सब लगे लगी हुई थी, इन्होंने जो फ्री में कनेक्शन कराए, हर किसान हर गरीब परेशान है, एक एक पे 50-50, 60-60 लाख रुपए के बिल आए हैं, बिजली भी मिली नहीं और 60-60 हज़ार रुपए के बिल आके हर गरीब दर-दर मारा फिर रहा है, लेकिन किसी को न बिजली मिली और रुपया और देने पड़ रहे हैं, रिकवरी निकली हुई है। सभी के लिए शौचालय बनवाए हैं और शौचालय बनवाने के बाद भी हर पंचायत में एक सामूहिक शौचालय मेरी सरकार ने बनवाया है और वहाँ पर एक शौचालय की सफाई के लिए सफाई कर्मी को भी मेरी सरकार ने रखा है, ऐसे बहुत से काम किए हैं मेरी सरकार ने। गैस सिलेंडरों की ये बात करते हैं, एक भी गांव में जो गैस सिलेंडर दे दिया था, आज गैस के दाम 1,000 रुपये को छू रहे हैं, कोई भी गरीब बेचारा भरने के कागार पर नहीं है जो कोई भी उस गैस का सिलेंडर को भरवा दे, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, डीजल और पेट्रोल के दाम इतने साफ बढ़ गए हैं कि कोई भी आदमी, हर गरीब परेशान है, हर गरीब रोटी रोजी के लिए मोहताज हो रहा है।